हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वैशाली इंडियंस रेसिपी में। तो आज हम पनीर बनाने वाले हैं। ये देखिए हमारा पनीर कितना सॉफ्ट बना है, इसी तरीके का पनीर बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध हमने फुल क्रीम वाला लिया है। दूध गैस पर चढ़ा देंगे, 1 कप पानी डाल लेंगे। पानी डालने से अपना पनीर जो है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। दूध को अच्छी तरह से चलाते रहना है। अब हम इसे उबाल आने देंगे। अगर आपका पनीर अच्छा नहीं बनता, आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हमारे दूध को उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए दूध को ठंडा होने देंगे। ये मैंने वाइट विनेगर लिया है। अगर आपके पास वाइट विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब हम एक कटोरी में 3 चम्मच वाइट विनेगर लेंगे और 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी गुनगुना होना चाहिए। अब हम हमारे दूध में विनेगर का जो गुनगुना पानी हमने बनाकर रखा था वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें धीरे धीरे इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है और पानी एकदम से डालना नहीं है। अगर हमने एकदम से पानी डाल दिया तो हमारा पनीर सख्त बन जाएगा, मुलायम नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा दूध फटना शुरू हो गया है। 2 मिनट इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। हमारा दूध देखिए पूरी तरह से फट चुका है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। हमें कॉटन का कपड़ा ही लेना है, इससे पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। इस पे हम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर उंगलियों की मदद से इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें नींबू विनेगर और आप जो भी चीज़ से दूध को फाड़ेंगे तो उससे जो पनीर बनेगा उसमें उसका स्वाद नहीं आएगा। अब हाथों की मदद से हम इसकी इस तरह से एक पोटली बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी दबाते हुए निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस पोटली पे कुछ भारी चीज़ रख के एक घंटे के लिए रख देंगे। इस पे वजन रखने से पनीर में का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। हमारा 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। सब पीस पनीर के हमने कट कर लिए है। कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। अब हम पनीर के टुकड़ों को 1/2 घंटे के लिए ठंडे पानी में ढककर रख देंगे। अब हमारा 1/2 घंटा हो चुका है। हम इस पनीर के टुकड़ों को एक थाली में निकाल लेंगे। ये जब तैयार हुए थे तब 200 ग्राम थे। पानी में डालते ही ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो ये करीबन 300 ग्राम इनका वजन हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम बना है। तो आप ज़रूर बनाकर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।